दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार कैरियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। उम्मीद करता हूं आपसे बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी तैयारी में जुटे होंगे। किस चीज़ की तैयारी में जुटे होंगे दोस्त? जो भी आप टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे डिप्लोमा हो, चाहे बीटेक हो, चाहे आईटीआई हो, अभी आपके सामने ढेर सारी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं। जैसे कि आपने ELP का फॉर्म भर रखा होगा, उसके बहुत जल्द, जहाँ तक सितंबर लास्ट या अक्टूबर से उसके CBT 1 के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ आपने जो है, अगर आप डिप्लोमा या बीटेक स्टूडेंट्स हैं, तो आपने JEE का कल लास्ट डेट था, आपने JEE का फॉर्म भर दिया होगा। साथ ही साथ और भी वैकेंसी NTPC की आने वाली है, तो उसमें आप 12th पास या ग्रेजुएशन होंगे, आप उसमें भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, ढेर सारी वैकेंसीज अभी करंट में चल रही हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से उसकी तैयारी कर रहे होंगे। अब काफ़ी दिनों से आपके मन में एक सवाल था कि भाई, जो UPRNL है और UPPCL है, इसमें वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, या जो पोस्ट्स हैं, ये जो वैकेंट पोस्ट है, उनकी क्या अपडेट है, उसके बारे में छोटी सी अपडेट आपके लिए लेकर आया हूँ। UPRNL या UPPCL की अभी क्या चल रहा है इस समय UPRNL या UPPCL में। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले चलते हैं। देखो, अगर आप देखोगे कि सबसे पहले तो UPPCL की परीक्षा को अभी कराने को लेकर विवाद चल रहा है। ठीक है, और UPRNL की जो लास्ट वैकेंसी आई थी दोस्त, वो 2022 में आई थी, ध्यान रखिएगा 2022 में। तो वैकेंसी तो आनी है इस साल के एंड तक, यानी कि इस साल वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लेकिन यूपी का सिस्टम आप जानते हो, थोड़ा सा ढीला ढाला रहता है। UPPCL में क्या है, UPPCL में इस समय बवाल ये चल रहा है भाई, UPPCL की जो परीक्षाएं हैं उसको कराने को लेकर UP SSSC को ये कहा जा रहा है कि UP SSSC कराएगा। और भाई, ना अभ्यर्थी चाहते हैं, ना कोई शिक्षक चाहता है, और ना कोई जो वहाँ के UPPCL के सेवा, मतलब जो बोर्ड है जो परीक्षा अभी तक कराता था, ना ही वो चाहता है कि भाई UPSSC वो परीक्षा कराए। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सबसे भ्रष्ट आयोगों में से एक जो है यूपी का, वो UPSSC ही है। ठीक है, क्योंकि आपको, आपने हाल ही में देखा होगा, कोई भी वैकेंसी होती है तो उसमें 5 साल जरूर लगाता है UPSSC। JEE की वैकेंसी आप देख लो, 2018 से लेकर अभी 2024 में क्लियर हुई, वो भी इतने धरना प्रदर्शन और उसके बाद, नहीं तो ये वैकेंसी हो सकता है 10 साल बाद क्लियर होती। इसलिए कोई नहीं चाहता, ना स्टूडेंट चाहता है, ना कोई शिक्षक पढ़ाने वाला चाहता है, ना खुद UPPCL का जो चयन बोर्ड है वो चाहता है कि भाई UPPCL की भर्ती UPSSC कराए। और आप भी, जब भी आपसे ट्विटर कैंपेन वगैरह में पार्टिसिपेट करने को कहा जाए, दोस्त आप जरूर किया करिए, क्योंकि UPPCL की वैकेंसी या UPRNL या UPPCL हम UPSSC को नहीं दे सकते, क्योंकि आप UPSSC का हाल जानते हैं, 2 साल बाद परीक्षा होती है, तो 2 साल बाद रिजल्ट आता है, तो 2 साल बाद DV होगा, तो 2 साल बाद ज्वाइनिंग होगी, यानी कि किसी वैकेंसी में आप मिनिमम 5 साल रख लीजिए। ठीक है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी वैकेंसी रुकी हुई है। देखिए, UPRNL बेसिकली यूपी में दो पावर जनरेशन कंपनी, दो कंपनी है मेन पावर से रिलेटेड। UPRNL क्या करता है, पावर जनरेट करता है, और UPPCL क्या करता है, उसको ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है। अभी तक देखिए जो अपडेट मिली है, इसमें बात करें TG2 की, यानी कि टेक्नीशियन ग्रेड टू की पोस्ट बेसिकली जो है आती है UPRNL में। UPRNL में भी आती है और UPPCL में आती है। UPRNL में आपकी फिटर, इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट, ये 3 ट्रेड में अभी तक पोस्टें जो है निकलती हैं, और UPPCL में जो आपकी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो पोस्ट है, ये आपकी निकलती है। तो अगर बात करें TG2 की अभी, क्योंकि देखिए पोस्ट वैकेंट होने पर ही वैकेंसी निकलती है, अगर ताज़ा अपडेट की बात करें तो TG2 की 350 से लेकर 400 पोस्ट अभी क्या है, वैकेंट है। ठीक है, 400 पोस्ट अभी वैकेंट है। और JEE की अभी 88 से लेकर 92 पोस्ट, JEE की आपकी 36 से 43 पोस्ट, और कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट भी जो है खाली हो चुकी है। और जैसे ही विवाद आपका सुलटता है UPPCL और UPSSC वाला, इसी साल में, अब वो कभी भी आ सकती है, 2 महीने बाद भी आ सकती है, दिसंबर में भी आ सकती है, इसी साल में आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी UPPCL और UPRNL दोनों से। ठीक है, और साथ ही साथ कल जो है योगी जी ने एक बयान भी दिया कि भाई यूपी पुलिस में भी भर्ती जो है आ रही है। तो एक्शन मोड है इस समय चल रहा है चुनाव के बाद से, कि अगले 2 सालों में फिर से जो है 2 लाख पुलिस की भर्ती होगी। अब हो सकता है उसमें कांस्टेबल भी इन्होंने जोड़ लिया हो, फिर भी 1 लाख पदों पर, जैसे UPSI है, फायरमैन है, तो वैकेंसियाँ होंगी। और इसका भी अध्याचन वगैरह सब भेजा जा चुका है। आप ये मत सोचो कैसे हवा भाई, इस सारे जो पोस्ट वगैरह का ही अध्याचन भेजा जा चुका है, बस विवाद यहीं पे चल रहा है कि भाई UPPCL कराएगा परीक्षा या UPSSC कराएगा। दूसरी चीज़, UPPCL ने पहले भी साफ साफ बोल दिया है कि हमको मार्च अप्रैल 2025 तक मैन पावर चाहिए। तो मैन पावर चाहिए होगा तो भाई फॉर्म निकालना पड़ेगा, परीक्षा करानी पड़ेगी और रिजल्ट देके ज्वाइनिंग देना पड़ेगा।
यूपीपीसीएल है, यूपीआर में लाइसेंस सेक्टर है जहां पर बिना आदमियों के काम नहीं चल सकता। भर्ती आनी है इस साल के एंड तक, इस साल मतलब जो अभी 4 महीने बचे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस साल आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ छोटी सी अपडेट आपको पसंद आई होगी, बाकी ऐसी अपडेट मैं आपको इस चैनल पर देता रहता हूँ, ठीक है, जॉब अपडेट, साथ ही आपको टेक्निकल की तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो उससे भी रिलेटेड यहाँ पर क्लासेस चलाई जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।